अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम, मतलब अपने खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक मेडल क्या जीता, अब पाकिस्तान का पीआर एजेंसी बन गए। पाकिस्तान का छवि हम इंटरनेशनल मंच पे सही करें, वाह रे वाह, हद है। पाकिस्तान के अरशद नदीम के मां की बात करने वाले भारत के यूट्यूबर और भारत के पत्रकार क्या कभी सैनिक के मां से बातचीत किए हैं? यही पाकिस्तान के लोग जो है जाके यूएन में बार बार भारत को जो है ललकारते हैं और भारत को नीचे दिखाते हैं इंटरनेशनल मंच पे, उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? लोग पाकिस्तानी प्लेयर का सपोर्ट कर रहे हैं भारत में बैठ के और बोल रहे हैं कि वाह नदीम तुमने क्या कर दिया, अगर इंजमाम प्रश्न खड़ा करेंगे तो हम भी प्रश्न खड़ा करेंगे पाकिस्तान के जीत पे। जिस देश ने जख्म दिया है उसके खिलाड़ी का बैठ के हम अपने भारत में और एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के प्रशंसा करेंगे ना, समय आप लोगों को जो है। हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों, अरशद नदीम ने जब से गोल्ड मेडल हासिल किया है बहुत सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है, इंडिया से भी, पूरी दुनिया से, और इंडिया से स्पेशली इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, बट उन्होंने जिस तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया है, उसको इतना प्यार दिया है, उसके इतने सारे फैन फॉलोइंग हो गई है वहाँ पे, पर उसके साथ साथ उनकी नेगेटिव लोग भी सामने आ गए वहाँ पे। अर्नब गोस्वामी सामने आ गए कि इसका, इसने फेक किया, इसने ये किया। उसके साथ एक और बंदे हैं मनीष, वो जिनके आपने ये वीडियो देखने जा रहे हैं हम लोग, इन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया। देखते हैं पहले वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के लिए मनीष कश्यप ने की डोप टेस्ट की मांग। क्या कारण है डोप टेस्ट मांग का? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अरशद नदीम ने कभी उतना दूर तक थ्रो नहीं फेंका था और इस बार उन्होंने उतना दूर तक थ्रो फेंका है। अरशद नदीम को जो है हम लोग जो है एक खिलाड़ी के रूप में देखेंगे और मैं एक पाकिस्तानी के रूप में देख रहा हूँ। पाकिस्तान ने अनेकों जख्म दिया है हम लोगों को। अब मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अरशद नदीम के मां की बात करने वाले भारत के यूट्यूबर और भारत के पत्रकार क्या कभी सैनिक के मां से बातचीत किए हैं? भारत में बैठ के जो लोग जो अरशद नदीम का सपोर्ट कर रहे हैं, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी का सपोर्ट कर रहे हैं और खेल भावना को खेल भावना की तरह देखने का प्रयास कर रहे हैं, अरे बॉर्डर पे भी जो है एक खेल जो है, मेरे को अरशद नदीम कभी भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है। अच्छा, और इस रुकूंगी। कहा जा रहा है कि आप चीप पब्लिसिटी के लिए एक पाकिस्तानी प्लेयर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जलन है आपको? मतलब पाकिस्तानी प्लेयर उन लोगों का चच्चा है क्या? क्या है पाकिस्तानी प्लेयर? और पाकिस्तानी प्लेयर पे मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ तो चीप पब्लिसिटी, और वो लोग पाकिस्तानी प्लेयर का सपोर्ट कर रहे हैं भारत में बैठ के और बोल रहे हैं कि वाह नदीम तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा थ्रो जो है बहुत अच्छा है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। 16 साल का नहीं, वो कितना साल का भी रिकॉर्ड तोड़े, उनका डोप टेस्ट होना चाहिए पहला। अब ये लोग क्या कहेंगे कि अरे वो खिलाड़ी है, उसको इस सबसे क्या मतलब है? आप इन सबसे क्यों जोड़ रहे हैं, आप एक अलग वे ले जा रहे हैं, ये भी सवाल उठ, ये सवाल करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सबको अलग वे में अगर हम लोग लेके जा रहे हैं तो T20 वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था तो इंजमामुल हक ने प्रश्न क्यों खड़ा किया था? बिल्कुल। अगर इंजमाम प्रश्न खड़ा करेंगे तो हम भी प्रश्न खड़ा करेंगे पाकिस्तान के जीत पे। और जिस देश ने जख्म दिया है उसके खिलाड़ी का बैठ के हम अपने भारत में और एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के प्रशंसा करेंगे, वाह रे वाह। जितना समय आप लोगों को जो है अरशद नदीम पे वीडियो बनाने में लग रहा है, उतना समय में बांग्लादेश हिंसा पे वीडियो बना देते तो 2-4 हिंदुओं की जान बच जाती। यहाँ पे बैठ के अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम क्यों? और मैं किसी एक आदमी को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में। हाँ, उन सभी लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों का गुणगान नहीं करें। अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम, मतलब अपने खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं करेंगे, जो एक्चुअल में जो 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, यूक्रेन के 3 खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक मेडल क्या जीता, अब पाकिस्तान का पीआर एजेंसी बन गए कि पाकिस्तान का छवि हम इंटरनेशनल मंच पे सही करें, वाह रे वाह, हद है। और उसके बाद से जो
बोल रहा है, उसको बोल रहा है चीप पब्लिसिटी। यही पाकिस्तान के लोग जो है जाके यूएन में बार बार भारत को जो है ललकारते हैं और भारत को नीचे दिखाते हैं इंटरनेशनल मंच पे, उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? भाई अरशद नदीम क्यों नहीं बोला कि दुनिया के सभी लोगों के लिए मेडल जीते हैं? सबका ठीक है, आप ही भारत से लेके रखे क्या? ऐसा नहीं है, मैंने ही लेके रखा है। भारत के हर एक राष्ट्रवादी जो है इस पे बोल रहे हैं और अरशद नदीम की प्रशंसा कर रहे हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यार जितना समय आप अरशद नदीम का पीआर एजेंसी बन के जो है काम कर रहे हैं, आप अरशद नदीम का प्रशंसा नहीं, एक पाकिस्तानी का प्रशंसा कर रहे हैं। और एक पाकिस्तानी का प्रशंसा करने का मतलब पूरे पाकिस्तान का प्रशंसा कर रहे हैं और इंटरनेशनल मंच पे आप पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे हैं। हिंदी सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं सुना जाता है, देखा जाता है, उसका जो है पाकिस्तान के अखबारों में और न्यूज चैनलों पे चलता है कि भारत के लोगों ने अरशद नदीम का प्रशंसा किया। इंटरनेशनल मंच पे जो है वो पाकिस्तान जाके जो है उस चीज को दिखाता है कि भारत के लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये चीज है। उसके बाद से पाकिस्तान जो है दुनिया के क्रिकेट देशों जहां जहां क्रिकेट होता है वहां पे बोलेगा कि अरे यार भारत के लोग हमारा प्रशंसा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आओ खेलो तुम, बांग्लादेश आओ खेलो तुम। जब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश और सारा देश खेलने चला जाएगा उसके बाद से भारत पे दबाव डालेगा कि भारत तुम भी आओ हमारे देश में खेलो। ये अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति का या किसी खिलाड़ी का या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज का अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझिए पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। और यानी कहने का मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी पाकिस्तान के जो गोल्ड मेडलिस्ट जो अरशद नदीम है जेवलिन थ्रो के 90, ऐसा लगा कि अरशद नदीम ने जो है मंगल ग्रह से लिथियम बैटरी का भंडार ढूंढ के लेके चले आए और दुनिया का सबसे बड़ा समस्या का समाधान कर दिए। अरे आप लोग जाने अनजाने में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हिम्मत है तो भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाइए। एक अरशद नदीम का भाला फेंकने वाला, एक नरेंद्र मोदी का, और लिखा जा रहा है कि दोनों में कौन ज्यादा फेंकता है। जरा सोचिए, भारत में बैठे लोग ऐसा कर रहे हैं, जरा सोचिए इससे जो है कितना निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, बताइए। एक पाकिस्तान का प्लेयर जेवलिन थ्रो क्या जीता, अपने ओलंपिक इतिहास में पहली बार पाकिस्तान गोल्ड मेडल क्या जीता, इन लोगों ने इतना गंद मचा दिया कि भारत का 6 मेडल जो है उसके सामने धूमिल पड़ गया। एक मेरा और सवाल, आप डोप टेस्ट की मांग कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान सरकार अरशद नदीम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बात कर रहे हैं, हिलाले पाकिस्तान, तो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, उन लोग मानते हैं। गजब, मतलब यही तो गलत परसेप्शन सेट कर रहे हैं ना। मैं आप अरशद नदीम का पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, जितना वीडियो बना रहे हैं अरशद नदीम के लिए, उतना समय जो है आप बांग्लादेश हिंसा पे वीडियो बनाएंगे ना तो कुछ लोगों का भला हो जाएगा उतना। और आप पाकिस्तान के प्लेयर की प्रशंसा कर रहे हैं, कल को जो है इस प्रशंसा के वजह से पाकिस्तान में और खिलाड़ी बढ़ेंगे, और खिलाड़ी बढ़ेंगे, ओलंपिक लेवल पे जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, खेलेंगे, तो इससे भारत का क्या भला होगा? उल्टा जो है भारत के लिए प्रतिद्वंदी साबित होगा पाकिस्तान, और जब जब मौका मिलेगा तब तब पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने का प्रयास भी करेगा। तो शोएब अख्तर कितना खतरनाक काम करता था पता है ना, सर पे वार करता था, यहाँ पे चेस्ट पे मारता था, एल्बो पे मारता था, यहाँ पे मारता था, बॉलिंग से भारतीय प्लेयर को जो है घायल करने का प्रयास करता था। अरशद नदीम से हमारा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, वो पाकिस्तान से हैं इसलिए हमें नफरत है। नीरज चोपड़ा ने आज तिरंगे से ढका है अरशद नदीम को, भविष्य में जो है पूरे पाकिस्तान को जो है ना भारत ही बचाएगा और पूरे पाकिस्तान को जो है भारत अपने देश में मिलाएगा, ये मेरा वादा है। यूट्यूबरों से मैं कहना चाहता हूँ, इन मीडिया चैनल चैनलों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आप रिक्वेस्ट कीजिए कि चलिए, ये लोग बोल रहे हैं कि सच को सच बोलने में क्या दिक्कत। तो दोस्तों ये थे मनीष कुमार और इनकी जितनी घटिया सोच है ये तो आपको अंदाजा हो गया होगा। सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए इस बंदे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सारे कार्ड खेल दिए, मुसलमान, हिंदू, इंडिया, पाकिस्तान, स्पोर्ट्स तो उसे साइड पर रख दी। स्पोर्ट्स का तो मेरे ख्याल से उसको एसपी नहीं पता कि स्पोर्ट्स क्या होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, किस बंदे ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। अगर यही सोच और यही बात अगर सब लोगों की होती तो एक बात अलग थी। इनका ही एक नीरज चोपड़ा, ठीक है, वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, उसने दिखाया ना कि भाई अपने झंडे में ले लिया अरशद नदीम को, क्यों लिया उसने, वो चाहता, वो भी कहता तू पाकिस्तानी है, तू भाग इधर से, तू दुश्मन है मेरा, मैं तो तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा। उसको पता है कि यार हम मोहब्बत और प्यार, दोस्ती यारी से इन सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं जो कि दूर होती नहीं है।
पर इन जैसे लोग जो कि इन इस टाइम पे निकल के आते हैं मेंढकों की तरह और इस सारी चीज़ों को कैश करवाते हैं, वो आए और उन्होंने कैश कराना शुरू कर दिया कि भाई क्यों, डोप टेस्ट तो करवा दो, वो तो कोई बात ही नहीं है ना, मसला ही कोई नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जहल को ये भी नहीं पता, ओलंपिक्स में कोई भी प्लेयर जाता है उसका डोप टेस्ट होता है, और ओलंपिक एसोसिएशन की ये शर्त होती है कि डोप टेस्ट वो किसी भी टाइम किसी भी प्लेयर का ले लेंगे, ठीक है। और जब वो टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद जब गेम्स हो रहे होते हैं, वो हर बंदे के ऊपर दूरबीन लगा के बैठे होते हैं कि ज़रा सा कुछ करे हम पकड़ें उसको, वो मेडल तक वापस ले लेते हैं, वो उसकी जीत को भी सेलिब्रेट नहीं करने देते अगर उनसे इस तरह की भूल चूक हो जाए, क्योंकि पास्ट में कभी हुई भी होंगी। बट ये जो डिमांड कर रहे हैं डोप टेस्ट हो जाए, वहाँ से अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं, वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि भाई इसने किया है, इसने डोप टेस्ट इसका कराओ, इसने फेक किया है, इसने कोई स्टेरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों जाहिलों को ये बात नहीं पता कि अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम में 91 पॉइंट समथिंग जैवलिन थ्रो की थी, ठीक है, उसमें ये पोटेंशियल है मौजूद। वो तो वो इतनी प्रैक्टिस ही नहीं करके गया बेचारा, वरना तो ये वो नॉर्मल फेंक रहा होता। और उसने एक ही टूर्नामेंट के अंदर, एक ही जब 6 अटैम्प्स आपको दिए जाते हैं, 6 अटैम्प में उसने ये 2 दफ़ा क्रॉस करके दिखा दिया। 90 मीटर भी किसी ने क्रॉस नहीं किया था। नीरज चोपड़ा ने सबसे ज़्यादा किया हुआ था, 89 पॉइंट समथिंग कुछ था, ठीक है। उसकी जो पहली थ्रो थी अर्शद नदीम की, वो 92.97 थी। जो लास्ट वाली थ्रो थी ना छठी, उसमें भी उसने 91 पॉइंट कुछ किया था। तो यानी कि फर्स्ट भी वो खुद था, सेकंड भी वो खुद था, ठीक है। तो अब यहाँ काउंट वो की जाती है जो कि सबसे हाईएस्ट हो, तो उसको नंबर 1 करार दिया गया। इस पे कौन सा डोप टेस्ट डिमांड कर रहा भाई, एक बंदा दो दो दफ़ा फेंक दे, और डोप टेस्ट से इतना फ़र्क नहीं आता। इनको ये भी नहीं पता कि भाई थोड़ी उसको खा पी के जो भी चीज़ होती है उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि एक दिन खाया, बाजू में लगाया स्टेरॉइड्स और जाके फेंक दिया, भाई 200 मीटर चला गया, ऐसा नहीं होता, अंधी नहीं लगी पड़ी है। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।